सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी को, बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। एक दो पार्टी हो सकती हैं जो जिनकी राय थोड़ी अलग हो, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है। मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये जो आपके शब्द हैं लिटमस टेस्ट, ये केमिस्ट्री में चलते हैं, ये राजनीति में नहीं चलते हैं। हमारी सिंपल सी बात है, हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा, और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। देखिए, ये कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन हैं, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे, क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है। अगर हम नया पैराडाइम, नया डेवलपमेंट का पैराडाइम चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले, उसके लिए हमें कंसेंसस करना ही होगा। वी आर इन डिस्कशंस, वी आर वेरी क्लियर व्हाट आर डायरेक्शन इज, दोज एक्शंस विल बी टेकन।